मुंबई के कांदिल पश्चिम ओल्ड सोना टॉकीज की कमर्शियल इमारत में स्थित साव सेठ के कार्यालय का स्लैब गिरने का मामला सामने आया है। घटना बीती रात करीब 8 बजे के दौरान का है। घटना जिस वक्त हुआ उस वक्त कार्यालय में कोई भी मौजूद नहीं था। इस घटना के बाद से इमारत के टेनेंट भय के साये में है। किराएदार लोगों का मानना है कि इमारत करीब 50 से 55 साल पुरानी है। इमारत की स्लैब व कॉलम भी जर्जर स्थिति में है, जो कभी भी ढह सकती है। हालांकि इस घटना का संज्ञान लेने भाजपा के पूर्व सांसद गोपाल सेट्टी भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने जर्जर इमारत का संज्ञान लिया। गोपाल सेट्टी ने कहा कि मैंने इमारत की स्थिति का जायजा लिया है, यह इमारत सही मायने में जर्जर स्थिति में है। हालांकि इमारत नामचीन बिल्डर की है। मैं और स्वयं यहाँ के स्थानीय विधायक योगेश सागर से मिलकर इस विषय पर चर्चा करेंगे और इसका सही में कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करेंगे। वहीं किराएदार कुंदन शाह का मानना है कि यदि समय रहते इस इमारत का संज्ञान नहीं लिया गया तो कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। बिल्डर और प्रशासन को बड़ी घटना होने से पहले इसका संज्ञान लेना चाहिए। मुझे पूर्व सांसद गोपाल सेट्टी व योगेश सागर पर पूरा विश्वास है कि इस इमारत के मालिक से बातचीत कर इस इमारत का पुनर्विकास कराएंगे। पेश है हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। नहीं देखे, वैसे कांदिल चारको विधानसभा में आता है और यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगेश सागर जी है, बहुत सक्षम विधायक है और मैं कुंदन भाई को कहा कि आप उनको बताइए, उसका रास्ता निकलेगा। हम लोग अभी साथ में मीटिंग में थे, मैं बोरेली घर पर आ रहा था तो इनका मीटिंग फ़ोन आ गया कि भाई बिल्डिंग एकदम गिरने के हालत में है। तो कुंदन भाई को जब भी हम कोई भी काम के लिए बुलाते तो तुरंत वो आते हैं, मदद करते हैं। तो मैंने कहा कि मेरा फ़र्ज बनता है जब वो ख़राब स्थिति में तो उनको मिलना। मैं आकर देखा बिल्डिंग की हालत तो सचमुच में बहुत ख़राब है और इसके जो मालिक है वो भी बहुत नामी बिल्डर है, बहुत सारा बिल्डिंग उन्होंने बनाया है। भाड़ूतों का अगर कोई प्रॉब्लम आपस में बनता नहीं होगा तो उसमें निश्चित हम मदद करके बिल्डिंग जल्दी से जल्दी रीडेवलप कैसा हो उसके लिए सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। और मैं कुंदन भाई से फिर एक बार कहूँगा कि योगेश सागर जी से मिलिए, वो आपको निश्चित उसमें मदद करेंगे। सर, कुंदन जी का ऐसा मानना है कि वो एक अलग ही नेतृत्व में आपको देखते हैं और हर अपेक्षाएँ आपसे रखते हैं। मुझे सभी लोग अलग नेतृत्व में देखते हैं क्योंकि 40 साल मैंने लोगों के लिए काम किया है, जो भी बुलाते हैं दौड़ कर चला जाता हूँ। यहाँ पर भी मेरा जो कुछ भी मदद होगा मैं निश्चित करूँगा, लेकिन जो भूमिपुत्र है, जो यहाँ के विधानसभा के जो हमारे विधायक है योगेश सागर जी, उनको मिलिए, वो भी आएंगे और हम लोग सब लोग मिलकर करें, हम सब एक ही पार्टी के लोग हैं, हम लोग मदद करेंगे। ये हादसा है और क्या कहना चाहेंगे? सर, ये कल शाम के रात का हादसा है, जब ये ऑफिस बंद हो गई थी। खुदा ना करे कोई अगर किसी को नुकसान नहीं हुई, अगर कोई होता तो आज उनको बहुत तकलीफ हो जाती। कोई इंजरी नहीं हुई? कोई इंजरी कुछ नहीं हुई है, मगर फिलहाल अभी ये 55-60 साल पुराना बिल्डिंग है, अभी इसके अंदर रिपेयरिंग नहीं हो सकता है। इसका बिल्डर रसेश भाई कानकिया जी है, हमें उनको कई बार बोला है, उनके आदमी को आके ऑफिस में आके गए, फ़ोटो भी निकाल के गए और देख के भी गए हैं। और हमने उनको ये भी बताया कि भाई आप ये नया बनाओ तोड़ के, और हम जितनी जगह वापर रहे हमको उतनी ही जगह दो, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। सर, रीज़न क्या बताते हैं वो ना करने का? अगर सर ये नहीं करने का वो कुछ बता नहीं रहे, हम करेंगे। और हमें बाहर से ये पता चला कि ये सीओडी का रिजर्वेशन इसके अंदर आता है, वो हिसाब से ये बिल्डिंग नहीं बन सकती है। इसका अभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। अभी जब अगर ये सीओडी के रिजर्वेशन में आती है और डेवलपमेंट नहीं हो सकता है तो अभी इसमें क्या होगा आदमी लोग का? और ऐसा नहीं है, यहाँ पे कई बिल्डिंग भी है जहाँ इमारतें हैं, जहाँ पब्लिक लोग रहते हैं, आज वो भी रीडेवलपमेंट होने को तैयार है। मगर अगर रीडेवलपमेंट नहीं होगी और वो बिल्डिंग नीचे गिरेगी तो हालत क्या होगी? आपकी प्रशासन से क्या मांगे? सर, हमारे प्रशासन से ये मांगनी है कि आप सीओडी का रिजर्वेशन इसमें है वो निकालो और जल्द से जल्द बिल्डर को बताओ कि जल्द से जल्द इसको रीडेवलपमेंट करो। और जब तक रीडेवलपमेंट नहीं होगा इसमें मुसीबतें आती ही रहेगी, पब्लिक सब मरते जाएंगे। ना ये होगा कि शासन प्रशासन इस मसले को कैसे लेता है?